नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेल्थ फिट हिंदी चैनल में। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिम जाने का शौक तो रखते हैं लेकिन 10 से 15 दिन तक जिम जाते हैं, बाद में उनका जाने का मन नहीं करता या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जिम जा नहीं पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जिम जाने के लिए मोटिवेशन भी रहेगी और कुछ आप तंदुरुस्त भी रहेंगे ताकि आप कंटिन्यू जिम जा पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम जाना आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लगभग हर किसी को दिन में आधा घंटा से एक घंटा वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। आजकल आउटडोर गेम्स तो रही नहीं और मैक्सिमम हर किसी की सिटिंग जॉब ही है, जिस वजह से बहुत सी बीमारियां घेरने लगी हैं। इसलिए हर किसी को वर्कआउट वगैरह करना ज़रूरी बन गया है। लेकिन जिम के लिए मोटिवेट कैसे रहें, इसी के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला है कि अगर आप जिम पहली बार जा रहे हैं तो समय से ना घबराएं। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं कि मैं सुबह 6 बजे जाऊंगा या फिर शाम को ऑफिस से आने के बाद 7 बजे जाऊंगा। तो ऐसे में ही उनके माइंड पे स्ट्रेस रहता है कि मैं 6 बजे जाऊंगा या 7 बजे जाऊंगा, तो ऐसे में वो जिम अच्छे से जा नहीं पाते। तो पहला एक महीना आप स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आपको सुबह टाइम मिलता है तो सुबह जिम चले जाइए, अगर सुबह आपका कोई काम है तो आप शाम को वर्कआउट करने चले जाइए। तो ऐसे में आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा और आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा है कि जिम में जाकर ईगो ना दिखाएं। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार वर्कआउट करते हैं और हम में से ऐसा लगता है कि हम कम भार क्यों उठाएं। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम कम भार क्यों उठाएं, जो कि पहले से वर्कआउट कर रहे हैं उनसे हमें ज़्यादा उठाना चाहिए, अच्छा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही एक्सरसाइज लगाएं, क्षमता के अनुसार ही भार उठाएं, क्योंकि उस वक्त तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, उस वक्त तो आप लगा लेंगे, लेकिन वर्कआउट करने के 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा जब आपके अकड़न वगैरह हो जाएगी मसल्स में। दोस्तों, कभी भी जिम ज्वाइन करें तो जिम कोशिश करें कि जिम पार्टनर के साथ ही जाएं। एक अच्छा दोस्त बनाएं जिम में या फिर अपने किसी दोस्त के साथ ही वर्कआउट करना स्टार्ट करें या फिर जिम ज्वाइन करें। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि वो आपको एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने में मदद करेगा। दूसरा है कि वो आपको मोटिवेट करता रहेगा, जिससे आप अपना जो गोल है, चाहे फैट लॉस का है चाहे वेट गेन का है, वो अच्छे से अचीव कर पाएंगे। दूसरा है कि जिस दिन आपका वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा तो वो आपको मोटिवेट करेगा वर्कआउट करने के लिए। तो जिम पार्टनर अवश्य बनाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कभी भी जिम ज्वाइन करें तो कोई अच्छा ढंग का जिम ज्वाइन करें जिसमें जाने का भी आपका मन करे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 100-200 रुपये के लिए जिम अच्छा ज्वाइन नहीं करते और पहले से ही जिम की खस्ता हालत होती है और उसमें जाने का मन भी नहीं करता और बीमारियां जो लगती हैं वो अलग से। तो आप अच्छा जिम ज्वाइन करें जो हाइजीनिक हो और कोहेड जिम ज्वाइन करें। कोहेड जिम से भी आपका थोड़ा माइंड का स्ट्रेस लेवल जो है वो मेंटेन रहता है और जिसमें रूल्स रेगुलेशन भी सही रहती है। अगला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, जिम तो आपने ज्वाइन कर लिया, अब जिम रेगुलर जा भी रहे हैं, लेकिन डाइट, दोस्तों कहा जाता है कि 30% जिम लेकिन 70% डाइट काम करती है। दोस्तों, डाइट पे जरूर ध्यान दीजिए और डाइट पे पहले दिन से ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो पहले दिन से ही अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। जिम जाने से पहले अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स वाली कोई ड्रिंक लीजिए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स फूड खाइए और जिम से आने के बाद कोई अच्छा सा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक पीजिए या फिर पोस्ट वर्कआउट मील खाइए, जिससे कि आपको अच्छी सी रिकवरी हो। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बजट है तो आप अच्छा सा कोई प्रोटीन ड्रिंक भी ले सकते हैं, वे प्रोटीन वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि आपको मसल गेन करने में अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे हर एक बॉडी बिल्डर अवेलेबल है, तो अगर आप किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हैं या फिर अच्छे बॉडी बिल्डर को पसंद करते हैं तो उन्हें फॉलो कीजिए, उनकी तस्वीर अपने फ़ोन में लगाइए, जिससे कि आपको मोटिवेशन वगैरह मिलती रहेगी। यह आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि अपने बॉडी बिल्डर को देखकर या फिर अपने यूट्यूब पर
वीडियोस उनके देखिए जिससे कि आप मोटिवेट रहें। अगला पॉइंट है कि अपनी बॉडी, घर में तो देखें, जिम में भी लोगों से फीडबैक लेते रहें कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद फीडबैक वगैरह लेते रहें, अपनी एक्सरसाइज वगैरह का चेंज करते रहें। अगर फीडबैक लें कि क्या बॉडी में चेंज आया है और मुझे क्या करना चाहिए, और ज़्यादा भी लोगों से ना पूछें, सिर्फ अपने ट्रेनर से ज़्यादा पूछें कि ट्रेनर से पूछें कि क्या उस आप में चेंज आया है। अगर इम्प्रूवमेंट आई है तो बहुत अच्छा, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई है तो क्या चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि मौसम से भी बचें। जैसे कि मौसम बदलता है, हमारा देश ऐसा है कि इसमें मौसम बहुत जल्दी बदलता है, कभी सर्दी आ गई कभी गर्मी आ गई, ये आपके जिम के गोल को बहुत पीछे धकेल देता है। एक बार अगर आप बीमार पड़ गए तो तकरीबन एक हफ्ता आपका जिम का गैप पड़ जाएगा और काफ़ी ज़रा पीछे आप हो जाएंगे। तो इसलिए जिम कभी भी जाएं तो अच्छे कपड़े पहन कर जाएं, जिम से निकलें तो कपड़े पहन कर ही निकलें, और सर्दियों में अपना ध्यान अवश्य रखें। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब में नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर वो बताते हैं कि म्यूज़िक सुन लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन ये चीज़ें कोई प्रैक्टिकल नहीं बताता। ये मैं खुद की आजमाई हुई चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।